मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं, पहले से ही अपने दिमाग में इस बात को रख ले कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारी बेटियों की बात है, ये उन बेटियों की बात है जिनके लिए ये तिरंगे की बेटियां हैं, ये कोई आम लड़कियां नहीं है कि ये कोई वैसे ही आप किसी के लिए कुछ भी कह देंगे, ये तिरंगे की बेटियां हैं। इन बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया। ये भाजपा के नेता यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हम क्या करें इसमें, मुझे ये बता दें, आप तो हमारे सीनियर पत्रकार हैं चावला जी, बहुत दिन से आपको देखते आए हैं हम, कि भाई FIR पहले होती है या फिर जांच होती है? भारत में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कानून को दो तरीके से नापा जा रहा है। हमारे यहाँ किसी पे 51 की धारा लग जाए, एक दरोगा आएगा, एक सिपाही आएगा, उठा के ले जाके थाने में बैठा देगा और जेल भेज देंगे 51 में भी। आप मुझे बताओ, पास्को एक्ट के तहत उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश का सम्मान मान बढ़ाया, उसके लिए ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद पता चलेगा। और वो इनका सांसद और जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, वो मंच पर खड़ा हो कह रहा है कि भाई ये मतलब वो इसकी बड़बोलेपन, और कह रहा है कि मेडलों को बहा दो, मेडल बहने से कुछ नहीं होगा, आप पैसे वापस कर दो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ अपनी छापों की और अपने यूनियन की तरफ से, मेडल वापस ले लो, पैसे वापस ले लो, जितने भी आपने पैसे दिए सब वापस ले लो। लेकिन जो इन लड़कियों ने, इन बच्चियों ने मान सम्मान देश का बढ़ाया, ये नाक बढ़ाया, क्या ये नेता अपने नाक कटा लेंगे? कटा लेंगे अपने नाक, ये मान सम्मान वापस लौटा देंगे? और जब बच्चे तैयारी करते हैं, जब तक कौन ने पैसा देता है, कौन से खिलाड़ी को किसने पैसे दे दिए, जब उन्होंने संघर्ष किया, जब वो खून पसीना एक करके मेडल लाए, जब उन्होंने सरकारी, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये आरोप अगर झूठे साबित हुए तो? तिलक जी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप, झूठे साबित हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पहले से झूठे साबित है ही नहीं। और जो आप दंड देना चाहो, जो पूरे खाप खाप के लोगों ने, खाप कभी झूठ नहीं बोलती किसी के लिए, खाप उन बेटी, वो बेटी का भी झूठ